वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन फ्राई हैदराबादी स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं 3 ग्रीन चिलीज लिया हूँ, 1 नींबू, 2 अनियन और यहाँ पे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बनाया हूँ मैं, जिसमें क्वांटिटी थोड़ा गार्लिक से जिंजर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे पुदीना के लीव्स और ये करी पत्ता है और ये चिकन है, हाफ किलो है, क्वांटिटी हाफ किलो है। तो चलिए आज शुरू करते हैं चिकन फ्राई हैदराबाद स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चिकन फ्राई। तो यहाँ पे हाफ किलो चिकन पे अभी हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। जो ऑयल डाल रहा हूँ, एक टेन टू 15 ग्राम। उसके बाद जो एक नींबू लिए थे हम, वो नींबू को इसमें अब निचोड़ेंगे। इसको अभी हम थोड़ा मिक्स करेंगे। तो थोड़ा अच्छा से मिक्स कर लेंगे। नींबू और ऑयल के मिक्सिंग में चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और बॉयल भी तो जल्दी हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जस्ट लिटिल बिट मैरिनेट प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम अब गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और दही भी डालेंगे। यहाँ पे हम 2 स्पून दही डालेंगे, ये 1 स्पून डाल दिया और 1 स्पून डालेंगे, ये दूसरा स्पून दही। उसके बाद हम जिंजर गार्लिक जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल देंगे आधा। तो पूरा डाल दिया हमने यहाँ पे, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन मिक्सिंग हो चुका है, तो चिकन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी मैरिनेट करे जैसा। तो शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जहाँ पे हम ऑयल और करी पत्ता, पुदीना और अनियन और ग्रीन चिल्ली फ्राई का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्राई का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चिकन फ्राई हैदराबादी स्टाइल में। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, एक 50 to 60 ग्राम ऑयल लिया हूँ। तो यहाँ पे हम एक 10 ग्राम जीरा डाल रहे हैं। ऑयल बहुत गर्म हो चुका है इसलिए मैं सिम कर दिया। यहाँ पर हम 3 जो ग्रीन चिली लिए थे उसको डाल रहा हूँ अभी। ये प्रोसेस थोड़ा अलग है, मतलब उल्टा तरीके से है। तो उसके बाद स्लाइसिंग किए सो ऑनियन डाल दिया, जो 2 ऑनियन लिए थे हमने। इसको हम थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करेंगे, एक 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में करेंगे। तो ऑनियन हाफ बॉयल हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पे ऑनियन हाफ बॉयल्ड हो चुका है, इसको पूरा ब्राउनी नहीं करना है। और यहाँ पे अब हम मैरिनेट करे सो चिकन को यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए चिकन को डालते हैं। चिकन तो सफ्टी सफ्टी दिख रहा है।
चिकन का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो इसको अभी हम अच्छा से मिक्सिंग करेंगे और एक 5 to 10 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। उसके बाद उसको बॉयल होने के लिए 10 मिनट ढक के छोड़ देंगे स्लिम पैन में। तो चलिए अभी हाई फ्लेम में इसको अच्छा से मिक्सिंग करके फ्राई करते हैं। तो देखिए हाई फ्लेम में अभी फ्राई जारी है, एक 4 से 5 मिनट हो चुका है और एक 4 to 5 मिनट हम इसको सेम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। इसके बाद चिकन का कलर अभी जो वाइट दिख रहा है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों चिकन अभी थोड़ा लाइट ब्राउन ब्राउन हो चुका है, मतलब इससे पहले थोड़ा वाइट दिख रहा था, अभी थोड़ा लाइट ब्राउन दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट हम हाई फ्लेम में फ्राई कर चुके हैं। तो अभी इसको हम इसमें जो भी हमारा मसाला डालना है, जैसे कि जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, वो डाल के उसको लो फ्लेम में एक 8 to 10 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए हम अभी मसाला डालते हैं। मैं पहले इसको स्लिम कर देता हूँ, लो फ्लेम कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम 1/2 स्पून हल्दी डाल रहे हैं। उसके बाद एक स्पून फुल चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 स्पून और जीरा पाउडर 1 स्पून। इसको अब हम अच्छा से मिक्सिंग करके 8 to 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं मसाले को अच्छा से मिक्स कर लिया हूँ चिकन के साथ। तो अभी हम इसको 8 to 10 मिनट लो फ्लेम में बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे ढक देता हूँ और अभी 8 to 10 मिनट इसको बॉयल होने के लिए लो फ्लेम में छोड़ देता हूँ। चलिए दोस्तों ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका है, तो मैं अभी एक बार उसको मिक्सिंग कर लेता हूँ और टेस्ट के हिसाब में अब हम यहाँ पे नमक डालेंगे और जो पुदीना लीव लिए थे, मतलब पुदीना पत्ते जो रखे थे, उसको अभी डालने वाले हैं। तो मैं पहले नमक डालता हूँ स्वाद के हिसाब में। ये पुदीना पत्ते डाल दिए। तो इसको अच्छा से मिक्सिंग करके और एक 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखते हैं दोस्तों अभी 4 से 5 मिनट हो चुका है, तब निकाल के हम देखते हैं कि नज़ारा चिकन फ्राई का अभी नज़ारा कैसा है। तो अभी तक माहौल बदल चुका है, चिकन खुशबू भी अच्छा आ रहा है। अभी इसको पलटा के देखते हैं कि नज़ारा अंदर से कैसा है। तो ये है अंदर का नज़ारा। तो अभी इसमें हम जो करी पत्ता रखे थे उसको डाल देंगे और थोड़ा पेपर पाउडर डालेंगे। ये करी पत्ता हम डाल दिए। इसको हम पहले डाल सकते थे, लेकिन पहले क्या होगा, इसका जो खुशबू है ऑयल में फ्राई होकर निकल जाएगा। तो अभी क्या है, चिकन के साथ साथ वो फ्राई होगा तो अच्छा टेस्ट रहेगा और खुशबू भी अच्छा रहेगा। तो हम पेपर पाउडर थोड़ा डाल रहे हैं लाइट, बस। तो फिर से अभी हम इसको और 3 to 4 मिनट मिक्सिंग करके 3 to 4 मिनट ढक देंगे बॉयल होने के लिए लो फ्लेम में। तो देखते हैं दोस्तों अभी 5 मिनट हो चुका है, तो अभी निकाल के देखते हैं। वाओ, चिकन फ्राई का नज़ारा खतरनाक है। तो इसको थोड़ा पलटा के देखते हैं और पलटा के थोड़ा मिक्सिंग करके अभी ये चिकन फ्राई ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी टू ईट एंड टेस्ट। तो मैं थोड़ा पलटा देता हूँ। तो ये है चिकन फ्राई का नज़ारा। तो अभी ये रेडी हो चुका है, तो मैं अभी इसको एक प्लेट में बाहर निकालूंगा
क्योंकि ये हम आप इसको टेस्ट करने वाले हैं और पूरे के पूरे टेस्ट करने वाले हैं। खुशबू तो लाजवाब है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। मैं प्लेट में निकाल रहा हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, ये है चिकन फ्राई हैदराबादी स्टाइल में। तो खुशबू लाजवाब है, दिखने में भी लाजवाब है। तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे और इसमें आप अगर चाहिए तो आप थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब में, और धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। मुझे एक्चुअली धनिया पत्ता उतना पसंद नहीं है तो मैं इसलिए नहीं डाला हूँ, तो आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो नज़ारा थोड़ा देखिए, मैं आपको नज़दीक से बता रहा हूँ। यह है चिकन फ्राई का नज़ारा और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और 15 टू 20 मिनट्स में आपका चिकन फ्राई रेडी हो जाएगा। 20 मिनट्स इनफ। तो चलिए दोस्तों, हम अब टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करेंगे अब, देखते हैं कैसा है। ये ले रहा हूँ मैं टेस्ट के लिए। टेस्ट खतरनाक है दोस्तों, आई कैंट एक्सप्लेन, बट बहुत लाजवाब टेस्ट है। परफेक्ट रेसिपी जिसे बोलते हैं ना, सेम टू सेम है। तो हम इसको पूरे खाने वाले हैं अभी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो हमारे आने वाले वीडियोस होंगे उनको नोटिफिकेशन आ जाए। और हम डेली ऐसे नए नए वीडियो के साथ आएंगे। तो आज के लिए हम ये वीडियो यहीं पे रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।